सरकारी डिस्पेंसरी इस्लामपुरा जब 70 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली सरकारी डिस्पेंसरी जिसका इफ्तिताह चौधरी थार अहमद वारसी मेंबर सूबाई असेंबली ने किया था जो इस वक्त बहुत बंगले का मंजर पेश कर रही कसीर आबादी वाले एरिए के साथ यहाँ PHU की जरूरत थी वहाँ सिर्फ दो कमरे बनाकर वहाँ के साथ ज्यादा की गई है खुला रकबा होने के बावजूद यहाँ सेटअप जो है वो नाकाफी है सरकारी डिस्पेंसरी का फाल ना होना भी वैसे शर्मिंदगी है डॉक्टर हजरात की अदम मौजूदगी वैक्सीनेटर की अदम मौजूदगी अवाम इलाका जब भी आते हैं तो हालियात वापस घर में लौट जाते हैं डस्परीन की गोली तक नहीं मिलती यहाँ कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब ड्यूटी दे रहे थे वो भी चले गए हैं अभी खाली कुर्सियाँ देख रही हैं आवाम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है इस टाइम ये आप लिहाजा कह सकते हैं कि सरकारी डिस्पेंसरी किसकी जिम्मेदारी है आवाम को रिलीफ न देना आवाम को तबीयत सहूलियत न देना किसकी जिम्मेदारी है ये है जी डिस्पेंसरी आप देख सकते हैं कहाँ ये अद्वियात मेडिसिन कितनी पड़ी हुई है ये क्लास 4 मुलाजमीन है ना कोई कमा इन तक क्यों आया कोई बंदा ही कोई जाना वैक्सीनेटर आया ही कोई जाना अमरनाथ सबेर लेना पहले सब हफ्ते जरा उसमें रबता किया सर सका 22 तारीख इतना सर 22 तारीख जरा इतवार से छुट्टी दी तू सका जी समारे सर समारे में कोई नहीं आया आज फिर मंगलारे ने दसा जरा हूँ फिर आया हूँ फिर कोई नहीं मिला अच्छा मैं मोहम्मद फारूक साहब तो यह दसो कि चलो बच्चे ने यह जरा वैक्सीनेटर जरा वा जो टीका लवाना इस तो अलावा जरा डिस्पेंसरी सारी चेक की आवाम की जरा वा सहूलत मिली पियाँ नहीं है तबीयत सहूलत जो मिली पियाँ नहीं पी डॉक्टर जरा वा कोई शहर नहीं डबी डॉक्टर नहीं जिस टाइम भी आया खाली है सुनसान हो पता नहीं बहुत शुक्रिया जी।